नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ पंचामृत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। किस तरह से घर में पूरी विधि के अनुसार आप बना सकते हैं पंचामृत, तो उसकी रेसिपी आप देख लें। तो पंचामृत जैसा कि नाम है, पांच चीजों का मिश्रण है, गाय का दूध, दही, चीनी, शहद और घी। तो इन पांच चीजों से बेसिकली बनकर तैयार होता है पंचामृत, जिसे भी चरणामृत भी बोलते हैं। भगवान की पूजा के लिए बनाया जाता है। आप इसे किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश हो, जन्माष्टमी हो, सत्यनारायण की कथा हो या दिवाली, किसी भी फेस्टिवल पर इसे बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं इसकी विधि। इसके लिए हमें चांदी का बर्तन लेना है या स्टील का या मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं आप। और इसमें हम डालेंगे गाय का कच्चा दूध। यदि आपके पास गाय का दूध नहीं है तो आप नॉर्मल दूध भी ले सकते हैं। मैं इसमें गाय का कच्चा दूध ले रही हूँ। मैंने 1 कप दूध लिया है। और इससे आधा कप लेंगे दही। दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, खट्टा दही बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दही को हल्का सा फेंट लेंगे, बहुत हल्का सा फेंटना है हमें दही को। और फिर इसमें हम दही को डाल देंगे। ये भी मैंने गाय के दूध से ही बनाया था दही। अब हम इसे हल्का सा मिक्स कर देंगे। जितना दूध लेंगे उससे आधा दही और उससे आधा पिसी हुई चीनी लेनी है। मैं इसमें पिसी हुई मिश्री ले रही हूँ। और फिर जितनी मिश्री ली उससे आधा शहद लेंगे। और शहद से आधा घी लेंगे। ये भी गाय के शुद्ध घी, गाय का शुद्ध घी है जिसे मैंने घर पे बनाया है। आपके पास यदि गाय का घी नहीं है तो आप नॉर्मल देसी घी भी डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर देंगे। अब हम उसमें डालेंगे 5 तुलसी के पत्ते। इसके बिना पंचामृत बिल्कुल अधूरा है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से पंचमेवे, मखाने, बादाम, काजू, किशमिश और चिरौंजी। आप अपनी इच्छा की ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं इसमें, जो भी डालना चाहें आप। मखाने बहुत अच्छे लगते हैं चरणामृत में, पंचामृत में। तो मैं मखाने डाल रही हूँ, बादाम, काजू, किशमिश और चिरौंजी डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स डाल के हमने हल्का सा मिक्स कर देंगे। हमारा पंचामृत बिल्कुल तैयार है। हम इसमें फ्रिज में रख के भी ठंडा कर सकते हैं। हल्का सा गंगा जल डालेंगे हम। और फिर हमारा पंचामृत बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे मिट्टी के बर्तन में निकाल रही हूँ। बहुत ही बढ़िया बनता है इस तरह से पंचामृत। अब हम इसे तुलसी के पत्ते लगाएंगे इसमें थोड़े से, जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। हमारा पंचामृत बिल्कुल तैयार है। यदि आप इस विधि से पंचामृत बनाएंगे तो आपका पंचामृत बहुत ही बढ़िया बनेगा और बहुत आसानी से आप इसे बना पाएंगे। आपको यदि मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी दिवाली।